आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें भी शामिल है जिसमें अमेठी, रायबरेली और लखनऊ जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी इसमें शामिल है। और आज राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा शामिल थे। अब ये 3 तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। फरहान और जोया अख्तर जब वोट डालने के लिए पहुंचे उस दौरान की तस्वीर, अक्षय कुमार जब वोट डालने के लिए पहुंचे वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं और जाह्नवी कपूर को भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर आज इलेक्शन हो रहे हैं इन्हीं के इलाके में और यहां पर वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र में 5वें चरण के चुनाव में 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अभिनेता फरहान अख्तर और जोया अख्तर, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला है। भारत की नागरिकता मिलने के बाद अभिनेता अक्षय कुमार ने भी वोटिंग की है और बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला है। इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि कृपया बाहर आए और वोट करें। तो हर किसी की तरफ से यही अपील आज की जा रही है कि अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो अपने घरों से बाहर निकलिए, बाकी के काम बाद में कीजिएगा, सबसे पहले लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आपका एक वोट प्रत्याशी की किस्मत बदल सकता है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है एटा से। एक शख्स का 3रे चरण में हुए मतदान को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वीडियो के बाद आरोपी युवक पर कार्रवाई भी की गई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऐसा दावा है कि युवक ने एक ही बूथ पर कई बार मतदान किया जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता और वीडियो अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 343 खीरिया पमारान का बताया जा रहा है। और वायरल वीडियो को लेकर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा तुरंत एक्शन में आए और आरोपी पर एक्शन लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटा के नयागांव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। जो युवक दिख रहा है उसका नाम राजन सिंह है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मतदान दल के सभी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मतदान केंद्र में पुनर्मतदान की सिफारिश भी की गई है। तो कह सकते हैं कि पारदर्शी तरीके से मतदान हो, पूरा ध्यान इसका रखा जा रहा है। और एक युवक जब फर्जीवाड़ा करता हुआ पाया गया तो उस पर एक्शन लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। नहीं, एक वीडियो संज्ञान में आया है, वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ है और काफ़ी राजनीतिक दलों द्वारा भी उसका संज्ञान लिया गया है। फरुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एटा में अलीगंज विधानसभा थी जिसमें 13 मई को मतदान संपन्न हुआ था। कथित जो वीडियो है उसमें एक व्यक्ति है, लड़का है, जो कि वोट डालते समय अपना वीडियो बनाया है और एक से ज़्यादा बार वोट डालते समय अपना वीडियो बनाया है और उसका मीडिया पर वायरल होने के उपरांत अलीगंज SDM ARO द्वारा उसका संज्ञान लिया गया और उस पर उनके द्वारा स्वयं प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और उसका इन्वेस्टिगेशन और जो भी जांच प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और प्रभावी कार्रवाई, जो भी कठोरतम प्रभावी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो अमेठी में भी मतदान जारी है। बीजेपी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने KL शर्मा को यहां से टिकट दिया है और राहुल गांधी की जगह KL शर्मा को उतारा है। तो जब ये उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ था उस वक्त भी काफी चर्चा यहां पर हुई थी कि राहुल गांधी आखिरकार अमेठी सीट छोड़कर क्यों भाग गए, ये चर्चा का विषय उस वक्त बना था। अब स्मृति ईरानी के सामने KL शर्मा है, ना कि राहुल गांधी। तो ऐसे में यहां पर स्मृति ईरानी के लिए ये और भी आसान हो गई ये सीट जीतना, ऐसा माना जा रहा है। और राहुल गांधी अब अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो KL शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी की जगह।
तो अमेठी में भी आज मतदान हो रहा है और यहां पर भी वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक वोट आपके प्रत्याशी की किस्मत बदल सकता है। इसलिए इससे चूकने ना पाए, जरूर घरों से बाहर निकलिए और वोट डालिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र का ये महापर्व 5 साल में एक बार आता है और इस दिन आप वोट जरूर डालें। इसके अलावा आप न्यूज 18 को भी सेल्फी भेज सकते हैं वोट करने के बाद नीली स्याही लगी उंगली की। और फिलहाल आपकी स्क्रीन पर तमाम जो जातीय समीकरण हैं, ग्राफिक्स आपके जरिए आप तक हम पहुंचा रखे हैं। अमेठी के जातीय समीकरण आप देख लीजिए, यादव वोटर कितने हैं यहाँ पर वो आपको हम बता रहे हैं, ओबीसी वोटर्स कितने हैं 3 लाख से ज्यादा। तो इन सब चीजों का भी काफी महत्व रहता है जब मतदान होता है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका फर्क पड़ता है। और अभी तक 4 चरण चूंकि बीत चुके हैं, तो ऐसे में अब 5वें चरण में बहुत सारी चीजें बदल गई है। लोगों के जहन में जो चीजें थी वो भी कहीं ना कहीं लोगों ने अब अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। चलिए सीधा करते हैं, रुक करते हैं अमेठी से। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। ऋषभमणि, कौन से बूथ पर आप मौजूद हैं, जरा तस्वीर वहां की दिखाइएगा। जैसा मैं देख पा रही हूं, काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है यहां पर बूथ को, और ऐसा इसलिए ताकि मतदाता जागरूक हो। हमने देखा मतदान प्रतिशत पिछले 4 चरणों में थोड़ा कम नजर आया, तो कह सकते हैं मतदाता को जागरूक करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जरा तस्वीर दिखाइए और दिखाइए कितना उत्साहित है मतदाता। देखिए, लीला टीकरा यहाँ पर बूथ पर मौजूद हूँ अमेठी लोकसभा में। यहीं पर स्मृति ईरानी का भी वोट पड़ना, इसको आदर्श बूथ बनाया गया है। धूप गर्मी काफी है, लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां से वोटर की एंट्री होती है वहीं से ऊपर से एक टेंट लगा के रखा हुआ है, शेड दिया हुआ है, ताकि गर्मी से धूप से कुछ बचाव हो सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पीने के पानी के इंतजाम किया गया है, जो भी वोटर आ रहे हैं यहाँ पर वोट डालने के बाद उससे पहले वो पानी पी सकते हैं। एक व्हीलचेयर का भी इंतजाम किया गया है, जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी कोशिश जरूर की जा रही है जिला प्रशासन की ओर, निर्वाचन विभाग की ओर से, कि यहाँ पर किसी भी तरह से भी वोटिंग को बढ़ाया जाए। मैं 7 बजे से इसी बूथ पे मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ खुद यहाँ पर कि किस तरह से जो जागरूक यहाँ के वोटर्स हैं अमेठी के, वो सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर वोट डाले। आप वोट डाला ही है माँ? हाँ, खड़ी है। इतनी उम्र आपकी हो गई, इतनी गर्म है, लेकिन सोच रखा था वोट जरूर डालेंगे। हमें हमेशा डालती हैं वोट? हाँ, हमेशा डालती हैं। हाँ। पूरा परिवार आता है वोट डालने? हाँ, पूरा परिवार आता है। अच्छा, अब मैं एक चीज और बताइए, अमेठी बहुत चर्चित लोकसभा है, तो जब आप वोट डालती हैं कोई अपना यहाँ लोकल जो स्थानीय कोई मुद्दा है या कुछ और भी सोचती हैं, वोट किस बात पे देती हैं वोट? नहीं, मैं अपने मन से देती हूँ। अपने मन से? हाँ। कुछ 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 अमेठी में बदलाव है? हाँ, बदलाव है। अच्छा, आपको मालूम है पिछली बार राहुल गांधी यहाँ से लड़े थे, स्मृति ईरानी ने हराया है उनको, इस बार राहुल जी की जगह दूसरे यहाँ पर प्रत्याशी आ गए, उससे कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पर? भैया, आपका कोनो ही पता नहीं है। ठीक, अपने मर्जी से वोट देती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए तमाम यहाँ पर अभी भी लाइन लगी हो, चाहे वो घूंघट में महिला हो, घरेलू महिला हो। आप लोग जब वोट डालने आती क्या सोच के आती, कोई यहाँ लोकल का कोई मुद्दा होता है या कुछ और ऊपर सोचती है? ना ही, जो सही है उसको देंगे। कि विकास कितना बड़ा मुद्दा है? जितना विकास बढ़ा है उन्हें को वोट देगा। महिलाओं की सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा जब आप वोट देने आती है? जो आगे बढ़ा रहा है उसको वोट देंगे, जो उन्नत आगे बढ़ रही है। बहुत हो गया है, बहुत हो रहा है। आप लोग सुरक्षित महसूस? बिल्कुल। चूल्हा फूंकते फूंकते मनई का कोनो कर्म हो जाता था, फ्री में गैस मिली थी, फ्री में कॉलोनी दिए थे, और क्या करें, राशन दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि राहुल गांधी पिछली बार लड़े थे, इस बार प्रत्याशी बदला है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? अब देखा, भगवान जाने क्या फर्क पड़ता है, कुछ हम बता नहीं सकते हैं। किसी आप देख सकते हैं कितने कितने बुजुर्ग मतदाता हैं उनके, देखिए उनको लेके आ रहे हैं वोट डालने के लिए, एक भी वोट वेस्ट ना जाए इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और जो मतदान और इसी बीच एक बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह ने मतदान किया है, ये बड़ी जानकारी। गोंडा में बृजभूषण शरण ने वोट डाला के गांव में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार जो है गांव में रहता है और गांव का संस्कार
खूब अच्छी तरीके से बच्चों को मिला है। जो तमाम आरोप आपके ऊपर क्या वो उस आरोप उस आरोप के कारण वोट बढ़ेंगे तो मुद्दे कुछ और रहने वाले यहाँ पर जो गोंडा कैसरगंज और पूर्वांचल की नहीं देखिए कैसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है बृजभूषण सिंह और जो आरोप लगाए हैं इन लोगों ने उसके कारण कैसरगंज लोकसभा में वोट बढ़ने वाले हैं। नेताजी जिस तरीके से आपके बेटे पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं तो कौन सा चुनावी पैतरा आपने सिखाया है कि जिससे जीत हो बाई फाल मारेंगे और क्या है बाई फाल तो मतलब क्लीन स्वीप की तैयारी बाई फाल चित विपक्ष को आप किस तरह से देख रहे हैं वोटिंग का निशान हाँ ये वोटिंग नेताजी 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है क्या लगता है वो सार्थक होता हुआ बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार बन रही है। डिंपल यादव यहाँ आई हुई थी उनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं जिस तरीके से यूपी के 80 सीट जिताओ और संविधान बचाओ यानी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं। देखिए वो अपनी पार्टी की नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं अपनी बात रखने का उन्हें हक है। तो सुना आपने अभी अभी बृजभूषण शरण सिंह को पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए और आपको हमने वो तस्वीर भी दिखाई जहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह और पूरी तरह से जीत को लेकर अभी भी आश्वस्त है। उनका कहना है कि अभी जो वो विवादों में रखे जो आरोप उन पर लगे उसके बाद उनके वोट और भी ज्यादा बढ़ेंगे। उनका कहना है कि कैसरगंज में लोगों के बीच एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा है बृजभूषण शरण सिंह। ये बड़ी बात उन्होंने अभी कही है और अभी अभी आपने उन्हें सुना। तो बीजेपी ने अब कर्ण भूषण को क्योंकि टिकट दिया है बृजभूषण शरण के बेटे को तो वो चुनावी मैदान में है तो उसे लेकर भी वो जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आए बृजभूषण शरण सिंह। तो कैसरगंज में मतदान जारी है बीजेपी ने कर्ण भूषण को टिकट दिया है यहां से और आपको यह भी बता दें कि एसपी ने भगत राम मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है तो ये आमने सामने रहने वाले हैं भगत राम मिश्रा कर्ण भूषण के सामने। तो ऐसे में चुनावी मैदान में ये दोनों नेता दिखाई देंगे। तो कैसरगंज में भी मतदान जारी है जैसा कि हमने आपको बताया अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं और दीपक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं उनसे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं लेकिन पहले कौशाम्बी चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। सर्वेश जरा दिखाइए वहां की तस्वीर मतदान केंद्र पर किस तरह से उत्साहित मतदाता नजर आ रहे हैं क्या कोई फर्क दिख रहा है। पहले हमने देखा कि जो तीन चरण हुए चार चरण हुए उन चारों चरणों में कुछ कम उत्साहित मतदाता दिखाई दिया इस बार क्या कुछ फर्क दिखा है सर्वेश। देखिए मैं आपको बता दूं कि गर्मी के बावजूद तमाम मतदाता घरों से निकल रहे हैं सुबह से मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से मैं इसी मतदान केंद्र पर हूं ये चिल्ला शाहबाजी का मतदान केंद्र है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी और दो बार के सांसद विनोद सोनकर का भी यहीं पर वोट पड़ना है। भाग संख्या 209 में कुछ मतदाता हमारे साथ हैं जो कि लाइनों में लगे थे और उन्होंने वोट कास्ट किया। बस आप अपनी फिंगर दिखाइए कि किस तरह से मतदान करके आए हैं ये बताइए कि क्या मुद्दा है इस सीट पर और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने मतदान किया है। हमने विनोद सोनकर को दिए हैं। क्या मुद्दा है विकास हुआ है यहाँ पर? विकास बहुत हुआ है जी। आप यहाँ पर युवा हैं आपने भी मतदान कर दिया है क्या मुद्दे हैं यहाँ पर किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप लोग मतदान कर रहे हैं? हम भी विनोद सोनकर को दिए हैं बहुत विकास हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग कि कैसी सरकार चुनी जाए जिससे देश का विकास हो? अरे कुछ आप बताइए कि किस तरह का उत्साह है गर्मी के बावजूद आप लोग आए हैं पहले जो है आपने मतदान किया फिर दूसरा काम करने जा रहे हैं जी। यानी हम लोगों का तो मुद्दा यही है कि हमारे विनोद सोनकर हमेशा रहे अच्छी बात है क्योंकि हमारा विकास बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ये बताइए दादा आपने भी मतदान कर दिया है फिंगर दिखाइए मतदान कर दिया है आपने स्याही लगी है ये किस मुद्दे पर वोट दिया है क्या समस्याएं हैं यहाँ की कोई समस्या है यहाँ पर कितना विकास हुआ है किसी योजना का लाभ मिला आपको? हम लोग जी पढ़े लिखे तो हम नहीं है ना कोई चीज के हान लाभ के लिए कुछ जानी ना कुछ ना। वोट तो किया है ना आपको अधिकार मिला है वोट किया है। हाँ वोट तो दिया क्या
और इसी बीच एक बड़ी खबर, लखनऊ में वोटर्स में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं और रविदास मेहरोत्रा को एसपी ने टिकट दिया है। तो यहां पर राजनाथ सिंह की ये सीट जहां पर वोटर्स में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और हमारे सहयोगी मोहनलालगंज से हमारे साथ संकेत मिश्रा जुड़ चुके हैं जो कि लखनऊ में मौजूद है। संकेत, कहा जा रहा है कि लखनऊ में काफी उत्साहित है एक मतदाता, एक वोटर, क्या वजह इसकी मानी जाए, क्या मायने निकाले जाएं, और जरा तस्वीर भी दिखाइएगा मतदान केंद्र की। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि हम राजधानी लखनऊ के यहां से, लखनऊ से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से राजनाथ सिंह, समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा प्रत्याशी हैं और इस समय बूथ पर हैं। इस बूथ की सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाएंगे। इसको बाकायदा बूथ को सजाया गया है, मॉडल बूथ है और यहां पर किसी तरीके से किसी को दिक्कत ना हो उसके लिए बाकायदा हेल्प डेस्क यहां पर बनाई गई है। ये हेल्प डेस्क आप देख सकते हैं, इसे बनाया गया है। पंक्ति हम दिखाएंगे, वो लाइन लगी यहां पर है वोटर्स की, वो और जाहिर सी बात है कि राजधानी लखनऊ में उत्साहित है जो वोटर है, वो उत्साहित है मतदान के लिए, उत्साहित है। हम बात भी कुछ वोटर्स से करेंगे। आप देख सकते हैं हर उम्र के लोग यहां पर वोट करने के लिए निकल रहे हैं। मैम, मतदान आपने कर दिया, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देंगे वोटर्स को? संदेश हम ये देंगे कि इतना कंफ्यूजन है सबका, मतलब नाम इधर से उधर, उधर से इधर, मेरा कॉलोनी का, मेरा जो है आधे लोग कम्युनिस्ट को। मतदान हो गया आपका? दिखा दीजिए जरा तस्वीरों में, मतदान करके आए हैं, लोकतंत्र के महापर्व में आपने भागीदारी की है। जी जी। किन मुद्दों को लखनऊ में, किन मुद्दों को आप देखते हैं, किन मुद्दों पर मतदान किया है? भैया बेसिकली महंगाई जो सबसे बड़ी है, बेसिकली वही है, और विकास तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, विकास चाहिए, ऐसे मुद्दों पर मतदान किया है। हर उम्र के लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं। सुबह से ही बूथ पर 6:30 बजे से भीड़ लग गई थी, 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ मतदाता अपनी पंक्तियों में लग गए और मतदान शुरू किया। लखनऊ चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मस्थली रही है और इस बार जहां राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, और अब यही देखना है कि जो वोटर्स हैं कि अगर राजनाथ सिंह। फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी संकेत में, स्मृति ईरानी पहुंची हुई है अमेठी जहां पर उनका वोट कास्ट उनकी तरफ से किया जा रहा है। उसी बूथ पर इस वक्त आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी को, तस्वीर आपके सामने अमेठी की, ये सीधी तस्वीर, और अमेठी से खुद चुनावी रण में है, खुद चुनावी मैदान में है स्मृति ईरानी। लोगों से भी यहाँ पर अपील करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने मत का इस्तेमाल करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। और इस वक्त स्मृति ईरानी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा चुनावी मैदान में है। राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव क्यों नहीं लड़े, इसे लेकर खूब मुद्दा बनाया गया, बार बार चर्चा की गई। चलिए अमेठी से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। ऋषभमणि, वो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन है जिसमें स्मृति ईरानी, हम कह सकते हैं कतार में लगकर, बहुत ही साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई है। जी बिल्कुल, देखिए स्मृति ईरानी इस वक्त लीला टीकरा गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पर पोलिंग बूथ बना है, पहुंच गई हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। और जाहिर सी बात है अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ समय पहले ही स्मृति ईरानी यहां की वोटर बनी है। उन्होंने अमेठी में अपना घर भी बना लिया है। जाहिर सी बात है कि वो अमेठी के जो वोटर्स हैं उससे अपनी कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए लगातार अमेठी में वो अपना डेरा डाले रहती हैं। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वो अक्सर यहां पर लोगों से मिलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं और यहां पर जो भी विकास संबंधी कार्य हैं उसका जायजा लेती रहती हैं। यहां पर जो हमारे तमाम लोगों से सुबह बात हुई है उनका भी ये कहना है कि स्मृति ईरानी जब से यहां से सांसद बनी है, केंद्रीय मंत्री बनी है, तो इस इलाके का विकास हुआ है। लेकिन ये भी बताना जरूरी हो जाएगा कि अमेठी शुरू से ही गांधी परिवार की सीट रही है। 2014 में इसी सीट पर स्मृति ईरानी चुनाव हारी थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को इसी सीट से 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया और उसके बाद से लगातार स्मृति ईरानी यहां पर बनी रही है। हालांकि ये हाई प्रोफाइल सीट है, लिहाजा यहां पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके साथ साथ जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो भी हावी रहते हैं। और ये अगर पूरे इसकी बात कर ले, करीब 8.5 लाख यहां पर महिला वोटर हैं अमेठी में, तो स्मृति ईरानी ने लगातार
कोशिश की थी कि जितनी महिला वोटर्स हैं उनके बीच में कैसे पैड बनाई जाए। अमेठी में 2.5 लाख युवा वोटर हैं, इनमें से 1 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार अपना वोट कास्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है चाहे वो महिला वोटर हो युवा वोटर हो वो प्राथमिकता हो जाते हैं। हर राजनीतिक दल की यह कोशिश रहती है कि किसी तरह से हम उसमें कैसे घुसपैठ लगा पाए। और अमेठी की जब हम बात कर लेते हैं तो अमेठी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाती है जो हाई प्रोफाइल है, देश दुनिया सबकी नजर यहां पर रहती है कि किस चुनाव हो रहा है। और स्मृति ईरानी चूंकि खुद आ गई हैं, यह आप देख सकते हैं बिल्कुल एक आम वोटर्स की तरह यहां पर वोट डालने के लिए वो लाइन में खड़ी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। हाथ में वोटर पर्ची अपनी आईडी कार्ड लिए हुए हैं जो निर्वाचन की जो सामान्य दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए। और ये देखिए स्मृति ईरानी की अपनी बारी आई, वो गेट पर पहुंच गई हैं और निर्वाचन से जो जुड़े हुए लोग हैं अब वहां पर जाकर वो अपनी वोटर पर्ची दिखाएंगी, अपनी आइडेंटिटी वहां पर बताएंगी, फिर इसके बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। जैसा मैं पहले बता रहा था कि अमेठी चूंकि हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है लिहाजा बिल्कुल आप ऋषमणी ऐसी तस्वीरें दिखाते रहिए लगातार। और स्मृति ईरानी को हम देख रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, स्मृति ईरानी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं, इस बार केएल शर्मा है उनके सामने। पिछली बार राहुल गांधी थे तो बड़े अंतर से उन्होंने हरा दिया था राहुल गांधी को, हालांकि 2014 में वो चुनाव हारी भी है यहां से। ऐसे में इस बार किस तरह से देख रहे हैं आप चुनावी रण को? देखिए चुनावों में हार जीत लगी रहती है। स्मृति ईरानी जी पहले चुनाव हारी लेकिन उन्होंने उस अपने जो लोकसभा क्षेत्र था उसके छोड़ा नहीं, चुनाव जीता। लेकिन राहुल गांधी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वे चुनाव हारने के बाद दोबारा उस सीट पर जा पाते, यहाँ तक कि कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उनको नहीं मिला जिसको वहां पर लड़ा पाते। उनको अपने निजी पीए को लड़ाना पड़ा और यह एक देश के लिए दुर्भाग्य है राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अभाव में गांधी परिवार अपने पीए को लड़ा रहा है। निश्चित रूप से स्मृति ईरानी जी एक परिपक्व नेता है, उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में देश आज विश्व में अपना नाम ऊंचा। जीत को लेकर तो आप आश्वस्त हैं लेकिन लगता है आपको वोटों के अंतर में कोई फर्क पड़ेगा राहुल गांधी के सामने ना आने से और केएल शर्मा के मैदान में होने से? देखिए हर सीट पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और हर सीट पर कमल का चुनाव निशान है। मुझे लगता है कि जनता का विश्वास जिस तरीके से मोदी जी के पीछे है, स्मृति ईरानी जी को निश्चित रूप से काफी बढ़त मिलेगी और वो पहले से अधिक मतों से जीत करके आएंगी, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, दीपक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। दीपक जी, आप इंडी अलायंस का हिस्सा है क्योंकि, तो ऐसे में एक सीट ऐसी है अभी आज की 14 सीटों को लेकर अगर दीपक जी मैं बात करूं तो एक सीट ऐसी है जो कांग्रेस के पास है लेकिन बाकी समाजवादी पार्टी का तो कहीं कोई जनाधार नजर नहीं आता। इन 14 सीटों में अपने आप को कहां पर देख रहे हैं आप दीपक जी? देखिए आज जो है लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व मतदान दिवस है, मैं आप सभी को उसकी बधाई देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलिए और निकल करके अपना वोट कास्ट जरूर करिए क्योंकि एक ऐसा अधिकार है, मताधिकार का प्रयोग आप लोग करिए। देखिए अभी आप जो है अपने चैनल के माध्यम से बार बार दिखा रही हैं कि वो साधारण तरीके से जो है स्मृति ईरानी जी ने वहां पर जो वोट कास्ट किया। देखिए प्रत्याशी कोई असाधारण और साधारण ये नहीं होता, ये कोई वीआईपी नहीं होता, ये वहां की देवतुल्य जनता होती है, महान जनता जो लोगों को वीआईपी बनाती है और लोगों को संसद में पहुंचाने का काम करती है। तो इसलिए एक तरफ तो आप उनको देख आ रही है साधारण तरीके से, दूसरी तरफ आप उनको क्या लग रहा है आपको क्योंकि लोग बार बार जो है यही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने रायबरेली को बनाया है, ये हमारा एक परिवार है। सोनिया गांधी ने एक बड़ी भावुक अपील करी कि मैं रायबरेली के लोगों को अपना बेटा सौंप रही हूँ। प्रियंका गांधी यहाँ पर जो है 6 तारीख से लेके 18 तारीख तक जब तक यहाँ पर प्रचार का समय था तब तक वो यहाँ कैंप करती रहीं और दम भर रही हैं। अमेठी में बराबर की सीट पर भी गई, वहाँ पर जो है केएल शर्मा को लड़ाया गया और प्रधानमंत्री ने ये तक कहा कि रायबरेली आना पड़ा क्योंकि सीधे तौर पे जो है अमेठी से भी भागकर राहुल गांधी कहाँ आए हैं, तो कैसे देखती हैं? आई थिंक इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ इलेक्शंस या एंड जो आप बात कर रहे हैं कि प्रियंका जी यहाँ 6 तारीख से हैं एंड सोनिया जी ने भी, अदरवाइज तो ये लोग कभी आते नहीं हैं, तो चुनाव है तो बेशक आए हुए हैं
जितने भी दिनों से जो भी आप कह रहे हैं, तो आई थिंक ये एक बस उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ चुनावी प्रक्रिया है कि हाँ आना है जाना है ऑल ऑफ दैट एंड दैट्स दैट यू नो लोकल में तो हम ही लोग रहते हैं. मैम एक बड़ी बात ये भी है, आप ओवरऑल चुनाव को कैसे देख रही हैं, ओवरऑल चुनाव उत्तर प्रदेश का कैसे जा रहा है और किस तरीके से जो है एनडीए का परफॉर्मेंस रहने वाला है? डेफिनेटली देखिए आई एम नॉट एन एक्सपर्ट सो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि इतनी सीटें उतनी सीटें, बट द वन थिंग आई कैन टेल यू फॉर श्योर इज बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत अच्छे वोटों से सरकार बने सीटों से सरकार बनेगी. एंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं एंड कंटिन्यूटी इज ऑल्सो समटाइम्स वेरी वेरी गुड. स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इज वेरी गुड फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑलरेडी ऑन गोइंग फॉर अ फॉरन पॉलिसी फॉर सो मेनी थिंग्स दैट आर ऑलरेडी इन मोशन. So this is something I'm personally also very happy about with the brilliant performance of the NDA and of the Bharatiya Janata Party. And I have आराम से स्मृति जी ये बताइए प्रत्याशी बदलने से परिणाम का क्या पड़ेगा? सहभागी और सहयोगी होने वाले हर भारतीय को आज इस लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूं. आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण सहभागी और सहयोगी होने वाले हर भारतीय को आज इस लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूं. आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ स्मृति ईरानी को अभी आप सुन रहे थे वोट की अपील करती भी वो नजर आई और ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया. अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे. मैडम ये बताइए प्रत्याशी बदल गया है अमेठी का? चलते जाइए भाई साहब चलते जाइए. धन्यवाद मैडम बोलिए चलिए तो वोट कास्ट करने के बाद आपने वे भी स्मृति ईरानी को सुना और उनकी तरफ से कहा गया कि और आशीर्वाद निरंतर देती रहे. मैडम ये बताइए प्रत्याशी बदल गया है अमेठी का? तो लाइन में लगकर मतदान किया पहले स्मृति ईरानी ने और उसके बाद अब वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से जो बातचीत उनकी थी वो हमने आपको सुनवाई. बूथ संख्या 347 पर इन्होंने वोट डाला है, खुद चुनावी मैदान में है और पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त नजर आई. तो मेदन मबई गांव के बूथ पर वोट डाला है स्मृति ईरानी ने और हमारे साथ तमाम गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं.